Good morning, students. Today I am going to explain profit and loss. This thing is related to the exercise 12C. Chapter 12C जो है, sorry, exercise जो 12C है, उस 12C को complete solve करने के लिए आपको profit और loss का formula जानना बहुत important है. तो यहाँ पे आप देखिए, आपके ये देखिए profit लिखा है. Profit means SP minus CP. SP माइनस CP, यहाँ पे ऊपर देखिए SP मीन्स होता है सेलिंग प्राइस और CP मीन्स कॉस्ट प्राइस. तो जब आप सेलिंग प्राइस से CP कॉस्ट प्राइस को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलता है. मीन्स सेलिंग प्राइस आपका हमेशा ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, तो ये प्रॉफिट होता है. और लास्ट लॉस जो होता है इसका जस्ट अपोजिट, जो लॉस होता है वो CP माइनस SP कॉस्ट प्राइस का में से, आप जब SP को आप माइनस करोगे, मीन्स सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे, तो आपको जो मिलता है वो होता है लॉस. तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो फार्मूला है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो फार्मूला है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके सेलिंग प्राइस पे और कॉस्ट प्राइस पे. कॉस्ट प्राइस मीन्स होता है आपने कोई भी सामान कितने में खरीदा, ये होती है कॉस्ट प्राइस CP. और सेलिंग प्राइस होती है आपने उस सामान को जिसको खरीदा आपने उसको कितने में बेचा, तो ये आपकी कहलाती है SP. तो प्रॉफिट का फार्मूला हो गया SP माइनस CP यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस का फार्मूला हो गया कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ये आपका फार्मूला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला. उसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज पे. अब आते हैं एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज पे आने से पहले एक चीज और आप देख लीजिए, यहाँ पे एक और फार्मूला दिया है जब आपको CP फाइंड आउट करने का. तो CP जब फाइंड आउट करना है जब आपको प्रॉफिट दिया हो, तो CP अगर प्रॉफिट दिया होता है तो SP से CP को माइनस, सॉरी प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं. और जब आपको लॉस दिया होता है तो CP फाइंड आउट करने का तरीका होता है SP में लॉस को प्लस कर देते हैं, ये CP होता है. और एक्चुअल जो ये फार्मूला बना है इसको याद करने की ज़रूरत है नहीं, ये जो फार्मूला है ये यहीं से बना है, ये वाले से, इसी से बना है. तो अगर आपको CP निकालना हो ये, तो अगर प्रॉफिट दिया होता, देखिए आप CP इधर करेंगे प्रॉफिट इधर करेंगे तो SP से प्रॉफिट माइनस हो रहा है. अब जब आपको CP निकालना हो तो CP यहीं छोड़ दीजिए, इसको इधर ले जाइए, तो आप इसको जब इधर ले जाते हैं तो लॉस में SP प्लस हो जाता है. ये फार्मूला वही होता है, इसी फार्मूले से ये फार्मूला बनाया गया है. लेकिन आप देख लीजिए CP निकालना होता तो SP में से आप प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, और जब आपको लॉस दिया होता तो सेलिंग प्राइस यानी SP में प्लस कर दीजिए लॉस को, ये आपका फार्मूला है. अब आप आ जाइए यहाँ पर, हम देखते हैं एक्सरसाइज 12C. इस एक्सरसाइज 12C में, सॉरी इस 12C में आपको एक चीज़ ये देखनी है कि आपको पूछा क्या जा रहा है. फाइंड प्रॉफिट और लॉस इन ईच केस. CP दिया हुआ है टेबल में, SP दिया हुआ है, तो CP और SP प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए यही दोनों इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होता है होना चाहिए. तो प्रॉफिट निकालने के लिए SP CP चाहिए, लॉस निकालने के लिए भी SP CP चाहिए. तो आप यहाँ पर ध्यान देखें दीजिएगा कि अगर SP बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा, यानी SP ऑलवेज ग्रेटर देन CP. तो इस तरह ये बात आप याद रखिएगा हमेशा, SP अगर ग्रेटर है CP से तो प्रॉफिट, SP अगर CP से लेस है तो लॉस. तो आप देखिए यहाँ पे ये है CP कितना है 4260, SP कितना है 4375. SP बड़ा है, SP बड़ा है तो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट. ये देखिए प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट है, तो आपको प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, SP माइनस CP, यानी SP से आप CP माइनस कर दीजिए. ये देखिए 115 का, ये सॉल्व है. आगे आते हैं सेकंड वाले पे, SP 487, CP 578, CP ग्रेटर है, SP लेस है, CP बड़ा होता है तो क्या होता है लॉस. यहाँ देखिए लिखा है मैंने लॉस, कितने का लॉस है, आप CP से SP माइनस कर दीजिए. और फार्मूला आपको पता ही होता है लॉस इक्वल टू CP माइनस SP. मीन्स आपको पता ही यार, कॉस्ट प्राइस अगर आपकी ज़्यादा हो जाएगी और सेलिंग प्राइस कम होगी, आपने जितने का खरीदा उससे कम में बेचा, तो ऑटोमेटिक लॉस होगा. तो वही चीज़ यहाँ पे है, वही आपको जो आप प्रैक्टिकल करते हो वही चीज़ है यहाँ, आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ें हैं यहाँ पर वही चीज़ शो करना है आपको. यहाँ पर देखिए CP 1503, ये 1592, तो ये SP बड़ा है, SP ग्रेटर है CP से, तो SP में से क्या, SP बड़ा है तो ये प्रॉफिट होगा, हमने प्रॉफिट लिख दिया. कितने का प्रॉफिट है, हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया, आपका क्या हो गया प्रॉफिट. ये अब आ जाइए, अब इस तरीके से आपको पूरा करना है, पूरा ये टेबल पूरा करना है. तो
तो आप ये आप खुद करिए, आप खुद करिए, और उसके बाद फिर जब आप देखेंगे करेंगे तब समझ में आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखें एसपी और प्रॉफिट दिया हुआ है। एक चीज़ याद, ये टेबल भरने का जो मेथड होता है वो देख लीजिए, या प्रॉफिट हो, अगर प्रॉफिट है तो लॉस ज़ीरो होगा, अगर लॉस है तो प्रॉफिट ज़ीरो होगा। तो इस तरीके से ये फील करने वाला मेथड आप देख लीजिए, प्रॉफिट निकल गया लॉस निकल गया। तो जब प्रॉफिट और लॉस निकल जाता है तो आपको सीपी निकालने का फार्मूला भी आपने देखा था, यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है और एसपी है, तो प्रॉफिट से अगर सीपी निकालना हो तो क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए एसपी में से प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो सीपी निकल जाता है। तो यहाँ में एसपी माइनस प्रॉफिट कर दिया, ये सीपी निकल गया। इस तरीके से आपको ये रिवाइज करना है ये टेबल तक, उसके बाद हम नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये टेबल तक आपको सीपी एसपी निकालने हैं और यही आपको रिवाइज करना है। प्रैक्टिकल आपके लाइफ में डेली यही होता है, तो आप बस एसपी और सीपी को ध्यान रखिएगा, आपका आंसर आता जाएगा। ओके, थैंक यू।